मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो विषय है मौत का व्यापार। हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है। इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का, जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का। आप सभी जानते हैं कि सन 1960 के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में ये प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है, जंतुओं से फसल को बचाना है, इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं, उससे फसल को बचना बहुत जरूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके। भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे। हमारे भारत देश में सन 1960 में जब ये हरित क्रांति की शुरुआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो, एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती माँ के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो। हमारे भारत देश में कृषि कर्म जो माना गया है वो आध्यात्मिक काम माना गया है, बहुत बड़ा आध्यात्मिक कर्म माना गया है और हमारे किसान धरती को माँ मानते हैं, तो माँ की धमनियों में, माँ की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते, मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते। इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड आदि आदि कभी नहीं डालते थे और ना हमारे देश की मिट्टी में यूरिया डीएपी डाला जाता था। लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर, हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे, यूरिया डीएपी का खाद नहीं डालोगे, फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी, अन्न कुछ पैदा नहीं होगा, सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा। लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में और बाद में पैसे से बेचकर रासायनिक खादें दी गई। 1960 में जब रासायनिक खाद सबसे पहले शुरू हुई हमारे देश में तो किसानों को मुफ्त में दी गई, किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया, धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई, फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते 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 इस देश में एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं। बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज से लगभग 40 साल पहले या बहुत अधिक कहें तो 50 साल पहले एक भी किसान के एक भी खेत में एक ग्राम भी रासायनिक जहर नहीं डाला जाता था। आज उस भारत देश के गांव के किसानों की जमीनों में हजारों लाखों मीट्रिक टन रासायनिक जहर डाला जा रहा है। हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में 1,90,00,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है, यूरिया के नाम पर, डीएपी के नाम पर, सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम पर, अनेक अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर 1,90,00,000 मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है। अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं, इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं, तरह तरह के जंतु आते हैं, तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं, क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। आप जानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो मनुष्य शरीर बीमार पड़ने लगता है,
वैसे ही पौधों के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो पौधे भी बीमार पड़ने लगते हैं, माने तरह तरह के रोग उनको घेर लेते हैं। तो पहले पौधों को यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से, फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं, उनको मारने के लिए फिर 90,000 मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है। पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 मीट्रिक टन जहर डाला जाता है, अनेक अनेक नामों से डाला जाता है। कोई लिंडेन नाम से डालता है, कोई क्लोरोपाइरीफॉस नाम से डालता है, कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है, कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है। ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में। अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा, इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में 90,000 मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब 1 करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है, जैसे एंडोसल्फान, जैसे मेलाथियान। कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में है। जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 मीट्रिक टन, जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब मैं मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है, बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है, और फल से फिर आपके भोजन में आता है, और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है, और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें दो तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं, 76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। फिर हमारे देश में गन्ने की फसल पर, गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर, सब्जियों की फसलों पर, तरह तरह के फलों के ऊपर और कई तरह की दालों की फसल पर, सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय, और उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि इन जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर किसान जब इन जहरीले कीटनाशकों के और जंतुनाशकों के प्रभाव में आते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कई तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं
लेकिन डॉक्टरों के पास उतनी अच्छी कोई चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण थोड़े दिन संघर्ष करते हैं और उनके हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। बहुत कम किसान ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इन दवाओं के दुष्प्रभाव में आने के बाद जीवित बच पाते हैं या पुराने जीवन में लौट पाते हैं। जो थोड़े जीवित भी बच जाते हैं पुराने जीवन में लौटने के लिए, उनके शरीर के कुछ ना कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदयघात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है, उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 25 साल काम किया, ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं, उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का, कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा, इनमें बीसियों कारण हो सकते हैं, लेकिन आपने जो शोध किया 20-25 साल, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है, तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है, उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति एक एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है, उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार। अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए, क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर। तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है, हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं, तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने। उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं, हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन, बीकानेर सुबह पहुंचती है, फिर बीकानेर से वापस आती है, फिर भटिंडा से लेके जाती है, रात दिन ऐसे ही चलता है। भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला
जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है, जलंधर है, और जलंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है। फिर होशियारपुर है, वो भी पंजाब में ही आता है, फिर हरियाणा के कुछ जिले हैं, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और फिर पूरे भारत के। तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में। लाखों लोग परोक्ष रूप से इससे मर रहे हैं और 76,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से इस खेल में या इस व्यापार में मारे जा रहे हैं। आप पूछेंगे ये व्यापार कर कौन रहा है? लगभग दुनिया की 1,000 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई हैं। अमेरिका की कंपनियां हैं, जर्मनी की हैं, जापान की हैं, फ्रांस की हैं, स्वीडन की हैं, नॉर्वे की हैं, डेनमार्क की हैं, हमारे पड़ोसी चाइना की हैं, कुछ रूस की कंपनियां हैं। ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1,000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग 1,000 बड़ी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। आप बोलेंगे जी इस मौत के व्यापार में इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? मानवता को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है? तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में। ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही हैं, ये जो जहरीला खाद बना रही हैं, इनकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों का 1 रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था, उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1,000 बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से। उनकी झोली भर रही है, उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनका घर भर रहा है। वो जहर बेच रहे हैं और उस जहर को हमारे किसान खरीदकर अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5,00,000 करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में। तो ये 1,000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही हैं, इन कंपनियों को साल में 5,00,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं कि जब इन कंपनियों से हमारे जैसे लोग बात करते हैं, इनके एजेंटों से, इनके अधिकारियों से, तो ये कंपनी के अधिकारी कुतर्क क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये हमें बेचना मजबूरी है, अगर हम ये नहीं बेचेंगे, कीटनाशक ये जंतुनाशक नहीं बेचेंगे तो भारत में फसल चौपट हो जाएगी, सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे, सारी फसल को जंतु खा जाएंगे, तब किसानों की मदद करने कौन आएगा? तो मैंने इसके आंकड़े निकालने की कोशिश की कि मान लीजिए 1 रुपए का भी जहर हम हमारे खेत में ना डालें और फसल हमारी कीड़े ही खाने वाले हों तो कितनी फसल को हर साल हमारे देश के कीड़े खा जाते होंगे, या कितने जंतु, कितने कीट फसल का बर्बादी के कारण बनते होंगे। तो भारत सरकार ही कहती है कि लगभग एक साल में 1,500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहरीले कीटनाशकों को स्प्रे नहीं किया जाए। आप सभी के ध्यान में ये बात मैं लाना चाहता हूं, 1,500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए। आप जरा सोचिए 1,500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, 1,500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है। 1,500 करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर ये 1,000 कंपनियां 5,00,000 करोड़ रुपए का धंधा कर लेती, ये सिर्फ पीटने की बात है। आप सोचिए ना, 1,500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है, भारत सरकार कहती है 15 अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की, अगर उस पर जहर ना डाला जाए, एंडोसल्फान स्प्रे ना करें, मेलाथियन स्प्रे ना करें, एलडी कार्ब स्प्रे ना करें, लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए, मोनोक्रोटोफॉस ना डाला जाए, डाइक्रोमेट ना डाला जाए, सैकड़ों किस्म के जो कीटनाशक हैं, जहरीले रसायन हैं, ये अगर खेतों में ना डाले जाएं तो सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है। तो 1,500 करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए
ये सारी कंपनियां मिलकर 5,00,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर लेती हैं, जहरीले रसायन बेच लेती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है, वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है, जहर का व्यापार करना है, जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये साजिश और षड्यंत्र मैं क्यों कहना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे कीटनाशकों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको दुनिया के अमीर देशों ने 20 साल पहले अपने देशों में बनाना और खेतों में डालना बंद कर दिया। एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया। एंडोसल्फान को फ्रांस ने, जर्मनी ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने, एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने, स्कॉटलैंड ने, आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया। जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया। दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान ना बनाया जाता है ना खेतों में डाला जाता है, क्योंकि ये सबसे खराब जहर है। एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उनका ये कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीभ पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए। इतना खतरनाक और तीव्र किस्म का ये जहर है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों ने जब शोध किया तो पता चला कि सेरिब्रल पल्सी नाम की जो बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है एंडोसल्फान। बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान। खून में तरह तरह की विकृतियों के आने का बहुत बड़ा कारण है एंडोसल्फान। इसलिए 20 साल पहले एंडोसल्फान को तमाम दुनिया के अमीर देशों ने अपने यहां बनाना और बेचना बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता, उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती हैं और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर, उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं। अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं, भारत में आकर बना के बेचती हैं। जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं, भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं, भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो भारत के खिलाफ नहीं हो रहा, जिसमें ये अमीर देशों के द्वारा ऐसी साजिश और षड्यंत्र किया जाए कि भारत जैसे गरीब देशों के लोग हमेशा गंभीर बीमारियों से मरते रहें, ताकि अमीर देशों की कंपनियों के दवाओं का भी व्यापार चल सके। अगर भारत में कैंसर नहीं होगा तो कैंसर की बिकने वाली दवाओं की बिक्री आगे कैसे बढ़ेगी? अगर भारत में जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के नाम पर बिकने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? अगर भारत के लोगों के खून में तरह तरह की खराबियां और गड़बड़ियां नहीं होंगी तो खून की विकृतियों को ठीक करने का दावा करने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी? तो ये तो सीधा सा खेल है। अगर कैंसर बढ़ेगा तो कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी, कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी तो फिर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का बिजनेस चलेगा, फिर उनको मुनाफा होगा। तो एक तरफ कैंसर पैदा करने वाले जहर को बेचा जाए, उसमें से मुनाफा कमाया जाए, फिर उस कैंसर को ठीक करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें से हजारों गुना मुनाफा कमाया जाए। आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में कैंसर की जितनी भी दवाएं बाजार में इस समय प्रचलित हैं वो ज्यादातर दवाएं पेटेंटेड हैं, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के कंट्रोल में उनके पेटेंट हैं और भारत सरकार उनके साथ झगड़ा कर रही है कि आप इन दवाओं को ऑफ पेटेंट करने के लिए हमें माने कानून बना लेने दीजिए। वो सरकार को कानून नहीं बनाने दे रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कैंसर की दवाएं सबसे महंगी बिक रही हैं इस देश में। इस विभाग के एक मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था श्री रामविलास पासवान। एक बार उनसे मेरा प्रत्यक्ष चर्चा का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये रसायन मंत्रालय के मंत्री जब रहे तो आपने जो संघर्ष किया है किस एक बात पर? तो उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती भारत में बिकें, इसके लिए उनका पेटेंट समाप्त किया जाए
और उसको ऑफ पेटेंट किया जाए ताकि कोई भी दूसरी दवा कंपनी उनको सस्ता बनाकर भारत में बेच सके। इसके लिए मैं 4 साल लगातार मिनिस्ट्री में संघर्ष करता रहा लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये कैंसर की दवाएं बेचने वाली कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के मंत्रालयों को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। हमारे देश का मंत्री कुछ कंपनियों की लॉबी के सामने हार जाता है, परास्त हो जाता है। तो आप देखिए षड्यंत्र का हिस्सा क्या है। एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर, लिंडेन जैसे जहर, एल्डिकार्ब जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं उनको भारत में लाकर बेचा जाए और 5 लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं, फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे, फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाए, ऐसा षड्यंत्र और ऐसी साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही। और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए, हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए। आप बहुत अच्छे योग्य चिकित्सक हैं, मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं। आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं, आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से, काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो, तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धो लो तो भी नहीं छूटता, दो बार धो लो तो भी नहीं छूटता, 3 बार धो लो, 4 बार धो लो, 5 बार धो लो, 10 बार धो लो, 50 बार धो लो, 100 बार धो लो तो भी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो ऑक्जेलिक एसिड का पाउडर है। फिर आप अंगूर खाते हैं, आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते हैं, और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं, आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं, आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं, फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं, किशमिश बना लेते हैं, फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं, इस किशमिश को हलवे में डालते हैं, इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं, फिर खा जाते हैं, फिर उतना ही जहर आपने खा लिया। बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं, सेब खरीदते हैं। आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में। फिर हम भिंडी खाते हैं, हम तोरई खाते हैं, दूधी खाते हैं, हम पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते। एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में, और एक साधारण भारतवासी गेहूं चावल चने दाल पर जो यूरिया डाला गया, डीएपी सुपरफॉस्फेट डाला गया, उसके रूप में करीब करीब 1 किलो 700 ग्राम रसायन खा जाता है। यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट के रूप में 1 किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं, एंडोसल्फान एल्डिकार्ब लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं, माने साल भर में लगभग 2 किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है। फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है, और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए, आपकी किडनी फेल हो जाए, आपका लीवर खराब हो जाए, आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए, तो कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 से ज्यादा है, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है, भारत उसमें से एक है। हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका, वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है। दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं,
ऐसे 150 से ज्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है और यही हजार कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है। अब जब इन कंपनियों को ये कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? अमेरिका में क्यों नहीं ये जहर बना के बेचते? कनाडा में ये जहर बना के क्यों नहीं बेचते? जर्मनी और फ्रांस में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? यूरोप के दूसरे देशों में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? अगर अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना है भारत जैसे देशों में, तो उनके अपने देश में भी तो अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना होगा। हमारे भोजन को अगर उन्हें बचाना है तो उनके अपने देश में भी होने वाले भोजन को तो बचाना होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते, अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से। ये 400% सब्सिडी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई किसान अमेरिका और यूरोप में $100 का उत्पादन करे और उस खेत के उत्पादन में वो एक पैसे का भी जहर ना डाले, यूरिया डीएपी ना डाले, एंडोसल्फन आदि ना डाले, तो उस किसान के $100 के उत्पादन को सरकार $400 में खरीदती है, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। $100 के उत्पादन को $400 में खरीद लेते, फिर दुनिया भर के देशों में उसको वो बेचते, ये अलग बात है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं, और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एलडी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए, इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है, आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में, दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इतना विनम्रता से एक छोटा सा काम करिए कि जब कोई मरीज आपके पास आता है और वो कैंसर का मरीज होता है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है जिसमें उसकी किडनी फेल हो चुकी होती है, जिसमें उसका और भी शरीर के किसी अंग के बिल्कुल खत्म हो जाने की बात होती है, और आप जब उस मरीज को कुछ समझाते हैं तो उस मरीज को विनम्रतापूर्वक एक छोटी सी बात और कह दिया करिए कि हो सकता है कि तुम्हारे शरीर की ये इतनी बड़ी खराबी जो हुई है या इतनी बड़ी बीमारी जो हुई है वो उस जहर के कारण है जो तुमने भोजन के रूप में खाया। तो मरीज चौंक जाएगा, वो कहेगा मैंने भोजन के रूप में कौन सा जहर खाया,
तब आप उसको समझाइए कि खेतों में जो गेहूं, चना, चावल, दाल पैदा हो रहा है इसमें रासायनिक जहर डाला जा रहा है, जो फल पैदा हो रहे हैं उस पर जहर छिड़का जा रहा है, जो सब्जियां आ रही हैं इस पर जहर छिड़का जा रहा है और ये जहर हमको खाने के लिए मजबूरी में उपयोग करना पड़ रहा है, ये जहर एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो उस मरीज में थोड़ी चेतना आएगी, वो पूछेगा मैं क्या करूं डॉक्टर, तो आप उसको कहिए कि तुम जिससे खरीदते हो उसके पास जाओ, जो तुमको सब्जियां बेचता है, जो फल बेचता है, जो अन्न बेचता है, और उसको कहो कि मुझे बिना जहर की सब्जी चाहिए, मुझे बिना जहर का अन्न चाहिए, मुझे विष मुक्त गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर चाहिए, मुझे विष मुक्त सब्जियां चाहिए, मुझे विष मुक्त फल चाहिए। तो जब मांग पैदा होगी तो उत्पादन भी होगा। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहरमुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहरमुक्त खेती करनी पड़ेगी, फिर उनका बिकना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, ये ही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं, वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे, तो वो पूछेगा क्या करूं, तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहां मिलेगा, तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएंगे। एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा, उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा। माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में, ये भी कम होता चला जाएगा। और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी, तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये कि क्या बिना यूरिया, बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा? क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूं, इस भारत देश में बहुत सारे जागरूक किसान पिछले 15 सालों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया, जिन्होंने एंडोसल्फान, मेलाथियन, पैराथियन डालना बंद कर दिया, जिन्होंने लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया। ऐसे हजारों किसान हैं और उनकी करीब 20 लाख एकड़ जमीन पर बिना यूरिया, बिना डीएपी अनाज पैदा हो रहा है।
बिना किसी जहर के, बिना किसी कीटनाशक और जंतुनाशक के सब्जियां पैदा हो रही हैं, फल पैदा हो रहे हैं। 20 लाख एकड़ में खेती भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा ये खेती महाराष्ट्र में हो रही है, कर्नाटक में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, केरल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, अब तो झारखंड बिहार में भी शुरू हो गई है। हजारों किसान लग गए हैं और उन किसानों का अनुभव ये कहता है कि यूरिया डीएपी से वो जितना पैदा करते थे उससे ज्यादा पैदावार उनकी बिना यूरिया बिना डीएपी से हो रही है। आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो किसान पहले यूरिया डीएपी से एक एकड़ में 30 मीट्रिक टन गन्ना पैदा करते थे, अब वही किसान गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बैल का गोबर खेतों में डालकर एक एकड़ में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा कर रहे हैं, 3 गुना ज्यादा। जो किसान पहले यूरिया डीएपी से एक एकड़ में 15-20 क्विंटल तक गेहूं पैदा करते थे, आज वो गाय के गोबर, बैल के गोबर, भैंस के गोबर का उपयोग करके एक एकड़ में 25-30 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं, ठीक दुगना। जो किसान पहले 2-2.5 क्विंटल कपास पैदा करते थे एक एकड़ में यूरिया डीएपी से, आज वो 7 क्विंटल कपास पैदा कर रहे हैं बिना यूरिया बिना डीएपी के। गेहूं ज्यादा हो रहा है, धान ज्यादा हो रहा है, गन्ना ज्यादा हो रहा है, सब्जियां भरपूर हो रही हैं, फल भरपूर हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो पिछले 40-45 साल इस देश में फैलाया गया कि उत्पादन सिर्फ यूरिया डीएपी से ही बढ़ सकता है, उत्पादन बिना यूरिया बिना डीएपी के भी बढ़ता है। और दुनिया में जब ये कीटनाशक और जहर नहीं बनाया जाता था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ। क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाए क्या, क्योंकि उन कंपनियों में जहरीले रासायनिक हथियार बनाए जाते थे और वो हथियार विश्व युद्ध में इस्तेमाल होते थे। तो जब तक विश्व युद्ध चला तब तक हथियार बिकते रहे, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हथियार बेचने का रास्ता बंद हो गया, तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें। तो फिर उन कंपनियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हथियारों का उत्पादन होता है उन्हीं कारखानों में जहरीले रासायनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया, डीएपी, एल्डिकार्ब, लेंडेन के नाम पर दुनिया भर में बेचा जाए। आप सभी जानते हैं, विज्ञान आपने पढ़ा है, रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा तो आप सभी जानते हैं, वो ये कि जिन रसायनों से रासायनिक हथियार बनते हैं युद्ध लड़ने के लिए, उन्हीं रसायनों से यूरिया डीएपी बनता है खेतों को बर्बाद करने के लिए। जिन रसायनों से रासायनिक जहरीले हथियार बनते हैं केमिकल गैसेस के नाम पर, केमिकल बॉम्ब के नाम पर, उन्हीं जहरीले रसायनों से ये लिंडेन, एल्डिकार्ब जैसे जहर, एंडोसल्फान जैसे जहर बनते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं। माने मूल रसायन एक ही है जिससे आप रासायनिक हथियार बना लो और युद्ध में इस्तेमाल कर लो, या जिससे यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना लो और खेतों में इस्तेमाल कर लो। तो मूल रसायन बनाने वाली यूरोप और अमेरिका की जो कंपनियां थी उनका ये षड्यंत्र था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, तो उन कंपनियों को क्या करना, तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये काम करना। तो किसानों के माध्यम से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और सबको मूर्ख बनाकर और झूठ बोलकर सारी दुनिया में ये मौत का व्यापार फैलाया। अब हमको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस मौत के व्यापार को बंद कराएं, और इस मौत के व्यापार को पहले अपनी धरती से बंद कराएं, फिर अपने पड़ोसी देशों की धरती से बंद कराएं, और फिर दुनिया की धरती से इस मौत के व्यापार को बंद कराएं। क्योंकि सबको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना इन कंपनियों के मालिकों को आलीशान तरीके से जीवन बिताने का अधिकार है, वैसे ही गरीब से गरीब किसान को जिंदा रहने का अधिकार है। दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है वो व्यापार है सिगरेट का। सिगरेट के व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया में सिगरेट का व्यापार अमेरिका देश से शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की कंपनियों ने सबसे पहले सिगरेट बनाई और फिर सिगरेट बनाने का धंधा उनके यहां बढ़ता गया। जैसे जैसे सिगरेट का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे सिगरेट बेचने के लिए उनको रास्ते बनाने पड़े। तो जिन जिन देशों में अमेरिका की कंपनियां गईं उन्होंने सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया। शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था, आप सभी जानते हैं। तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था।
तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया। अमेरिका की जमीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की जमीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है। अमेरिका की जमीन ऐसी जमीन है जहां तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए, आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं, सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस। 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया। फिर वो तंबाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा के सिगरेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिगरेट बिकना शुरू हुई और उस सिगरेट के लिए कई कंपनियों को स्थापित किया गया। उस दौर में जो सिगरेट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी बनी उसका नाम फिलिप मॉरिस, वो अभी भी जिंदा है। एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम था आरजे रेनॉल्ड, वो अभी भी जिंदा है। एक और तीसरी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका भारतीय नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। आपने भारत में एक नाम सुना होगा ITC, ये मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, उसका भारतीयकरण करके कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी। सारी दुनिया के देशों में ये कंपनी काम करती है। श्रीलंका में इसका नाम होता है श्रीलंका टोबैको कंपनी या सीलोन टोबैको कंपनी, भारत में नाम होता है इंडियन टोबैको कंपनी, पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टोबैको कंपनी, इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टोबैको कंपनी। माने आदत है इन कंपनियों की कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि ये तो उनके ही देश की कंपनी है। तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंधा चला। एक जमाना था कि अमेरिका में ये लोग सिगरेट बनाते थे, दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे, कोई पीता नहीं था क्योंकि सिगरेट पीना किसी की आदत नहीं है इस देश में, क्योंकि सिगरेट कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको पीकर कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करे। सिगरेट तो सबसे खराब उत्पादों में गिना जाता। लेकिन इन्होंने सिगरेट के बारे में तरह तरह के कुतर्क प्रचलित किए। उनमें से एक कुतर्क था जो आज तक चला आ रहा है, सिगरेट पीने से मर्दानगी आती है, सिगरेट पीने से पौरुष बढ़ता है, सिगरेट पीने से ताकत बढ़ती है, सिगरेट स्टेटस सिंबल है। इस तरह की विज्ञापनबाजी कर करके इन्होंने ये सारा खेल खेला और इस खेल को सटल तरीके से खेला इन्होंने। इन्होंने फिल्में बनाई, यूरोप के इंग्लैंड के फिल्मकारों ने, अमेरिकन फिल्मकारों ने फिल्में बनाई और इन फिल्मों में हीरो को खूब अच्छे से जानबूझकर सिगरेट पीते हुए दिखाया। एक हीरो 10 सिगरेट पी रहा, दूसरा 20 पी रहा, तीसरा 30 पी रहा, तो जो ज्यादा बड़ा हीरो ज्यादा सिगरेट पी रहा। उन फिल्मों को सारी दुनिया में प्रचारित किया गया। धीरे धीरे दुनिया के लोगों में सिगरेट पीने की लत लग गई और सिगरेट की लत लगी तो उसका उत्पादन बढ़ा, फिर उत्पादन बढ़ा तो और बिक्री बढ़ी, फिर और उत्पादन बढ़ा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि 16वीं शताब्दी में दुनिया में एक सिगरेट नहीं बनती थी और आज सारी दुनिया में 5,500 अरब सिगरेट हर साल बनती है। 5,500 अरब सिगरेट, 5,500 अरब सिगरेट, अरब बिलियन अंग्रेजी में, अमेरिकन बिलियन 100 करोड़ का होता है। तो 5,500 अरब सिगरेट सारी दुनिया में बनती है और इसको 142 करोड़ लोग पीते हैं। अब ये 142 करोड़ लोग दुर्भाग्य से अमेरिका में, यूरोप में, भारत और भारत जैसे कई गरीब देशों में हैं और इन देशों को सिगरेट पिला पिला के लोगों का सारा खून पसीने की कमाई का पैसा निचोड़ रही हैं ये कंपनियां। फिलिप मॉरिस है, आरजे रेनॉल्ड है, अमेरिकन टोबैको कंपनी है, ऐसी सिगरेट के धंधे में लगी हुई 40 बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका और यूरोप के देशों की। ये कंपनियां अंधाधुंध व्यापार कर रही हैं और इस व्यापार में अंधाधुंध मुनाफा कमा रही। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मुनाफा कितना हो सकता है सिगरेट के बिजनेस में? हजारों प्रतिशत का मुनाफा है सिगरेट के बिजनेस। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा इन कंपनियों की बैलेंस शीट में से आंकड़े निकालकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो फिलिप मॉरिस हो या आरजे रेनॉल्ड हो या अमेरिकन टोबैको कंपनी हो या मार्लबोरो हो, कोई भी सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो निकाल के, एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। अगर 20 पैसे सिगरेट बनाने का खर्चा है और 2 रुपए में सिगरेट बिक रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए मुनाफा हजारों प्रतिशत में है और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं।
इस धंधे से जो सिगरेट का धंधा है। भारत में इन कंपनियों का क्या हाल है? हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने लिए, ऐसी 40 कंपनियां, ये हर साल करीब 20 अरब सिगरेट भारत में भी बेच रही, और वो 20 अरब सिगरेट को हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोग पी रहे हैं और पीकर अपने फेफड़े गला रहे हैं, अपने खून को विषाक्त कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं उससे ज्यादा नुकसान वो उस पड़ोसी का कर देते हैं जो उनके नजदीक बैठता है और सिगरेट नहीं पीता है कभी भी। आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील स्थिति में होता है, क्योंकि ये जो पैसिव स्मोकर है और ये जो एक्टिव स्मोकर है, जो पीने वाला है वो तो धुएं को बाहर फेंकता है और जो नहीं पीने वाला है वो सारे धुएं को अपने द्वारा खींच लेता है अंदर। तो पीने वाले से ज्यादा धुआं नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है। आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति सिगरेट सुलगा ले पूरी बस परेशान हो सकती है। रेल के डिब्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे 20 करोड़ लोगों को लत पड़ गई सिगरेट पीने की, और वो पी पी के अपने हृदय को जला रहे हैं, खून को जला रहे हैं, फेफड़ों को जला रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी जला रहे हैं। एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में। इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में दो तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक तो नेताओं की, जिन्होंने इन सिगरेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है जो सिगरेट बना के भारत में बेच रहे हैं, और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की, जिन्होंने सिगरेट का अंधाधुंध प्रचार किया है इस देश में। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है विल्स, WILLS विल्स। इस ब्रांड नेम से सबसे ज्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है। अब इस सिगरेट को भारत में ज्यादा से ज्यादा बिकवाना, तो ये कंपनी ने पता है क्या किया, सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया, सालों साल। और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था, इंडिया पीछे लिखा होता था, विल्स आगे लिखा होता था। भारत पीछे है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है। भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी में नाम नहीं लेना चाहता, जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है, ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज्यादा प्रचार किया। हमारे देश में सबसे ज्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है। उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है, उसके ग्लव्स होते हैं उस पर विल्स का स्टीकर, उसकी छाती पर विल्स, उसके पैड पर विल्स, हर जगह विल्स विल्स विल्स। और क्या होता था, क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है। मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का, उसमें दो तरफ विकेट्स होते हैं, दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का, वहां विल्स लिखा जाता था। फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे, मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज्यादा विल्स 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 देखते थे। और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टीकर लगा के मैच खेलते हैं, विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं, विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं, तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा, छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा, चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहां तक पहुंची कि बहुत दुख होता है, हर दिन भारत में 3000 नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सरकार के आंकड़े, हर दिन। सारी दुनिया में हर दिन 1,00,000 नए बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है। तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता, विल्स का प्रचार होता। और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए। और यहां तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में। आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम मैं लेना नहीं चाहता,
वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए, बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है, पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है, फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज्यादा, और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं 14-15 साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते। फिर इस सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में, सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया जहर एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया डीएपी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है। और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं, परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं। भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं, चीन जैसे देश में काफी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है, 1320 सिगरेट प्रति व्यक्ति चीन में बिकती है, अमेरिका में 1670 सिगरेट प्रति व्यक्ति बिकती है, जापान में 2600 सिगरेट प्रति व्यक्ति, रूस में 1760, इंडोनेशिया में करीब 1000, और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके। ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं, और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं। एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको आप समझाइए, विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना नुकसान होता है, व्यसन से कितना नुकसान होता है, और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है। फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुटखे का, खैनी का। ये 5000 करोड़ का व्यापार है और लाखों लोग इस व्यापार में परेशान हो रहे हैं। फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीड़ी का। सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ। फिर उसके बाद एक शराब का व्यापार है जो मौत का व्यापार बन गया है। इस शराब के व्यापार को भी हमें बंद कराना है। भारत में 32,000 शराब की दुकानें हैं, 20,000 करोड़ की शराब बिक रही है, लाखों करोड़ों लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं। और इसी तरह से एक बड़ा व्यापार हमारे देश में अफीम का है, मार्फीन का है और बहुत सारी नशीली दवाओं का है। हजारों मीट्रिक टन नशीली दवाएं बिक रही हैं और लोगों को तकलीफ में डाल रही हैं। तो मेरा आप सभी चिकित्सक भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इन सभी मौत के व्यापारों को इस देश में जल्दी से जल्दी आप बंद कराइए और जल्दी से जल्दी इस भारत देश को एक रहने लायक, अच्छा, समर्थ, स्वस्थ और समृद्धशाली देश बनाइए। हमें चिकित्सा के संदर्भ में इस पर किस तरह से अपने दायित्वों को पूरा निभाना है और इस बेबसी से इस देश को बाहर निकालना है और जो मानवता के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनको किस तरह से हम निभा पाए, इसी व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे भारत देश में आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आजादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थी। आजादी आने के लगभग 4-5 वर्षों के बाद 1952 तक आते आते 70 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर पंचवार्षिक योजना पूरी हुई 1957 के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना, अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हुई हैं और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी सरकार का ये कहना है कि ये 40,000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का, ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है।
जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है, माने ये सफेद व्यापार है, ये व्हाइट मनी का पैसे का व्यापार है, और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये कुछ भी हो सकता है, आंकड़ा 80,000 करोड़ हो सकता है, 1,00,000 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे देश के बारे में, आजादी के बाद पिछले 63 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे, और हरेक विशेषज्ञों के दल को ये कहा गया था कि भारत देश की जरूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत जरूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन, उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में, और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं दिख रही हैं इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने, और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए, और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं, इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया, और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं, वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया, और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी, और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी न माने, लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया, और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को ये पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहां के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अनुसार। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहां मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117। सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा, और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी। आजादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी, लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई, और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया, और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं जो बहुत जरूरी थी। फिर हमारे बाजार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई, पहले हमारे यहां नीति यह हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए,
स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में, क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है, और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। मैं इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ये सबसे लंबी बहस चली हमारे देश की संसद में। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था, और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया, और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया, और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आईं, और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई जरूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं, ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का ये कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं, और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों, तो किसी भी डॉक्टर को ये चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ, तो WHO के विशेषज्ञों का ये कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने WHO के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए एक दूसरी सूची बना दीजिए, जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया, तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें, वो 450 मात्र है। माने 450 दवाओं में
सर्दी खांसी जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और WHO के विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग 150 बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो WHO की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए। भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफी हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है। अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर, लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाजार में 84,000 दवाएं क्यों हैं? तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए, भारत में कुछ भी हो सकता है। यहां भ्रष्टाचार, करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है, और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है। क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है, इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं, उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रहे हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र 450 की जरूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में है। तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं, और वो कड़ी क्या है, ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाए तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10-15-20 से लेकर 50-60% तक, बहुत अधिक तो 100% तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10-20-50% से लेकर 100-200% के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10-20-50% में नहीं होते, 20-20,000% में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है, एक रोश नाम की कंपनी है, वरो बेलकम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथ लाइन बीचम नाम की कंपनी है, ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब निकाला तो पता चला कि किसी भी दवा कंपनी का मुनाफा 20,000% से तो कम नहीं है। 20-20,000% के मुनाफे। जो मूल दवा होती है, जिसको आप बेसिक ड्रग कहते हैं, वो बहुत सस्ती होती है। जब उसके फॉर्मुलेशन तैयार होकर बाजार में आते हैं तो 20,000% मुनाफा तो बहुत सामान्य बात है, उस पर वो बिक जाते हैं। मूल दवा हो सकता है 100 रुपए किलो की हो, मूल दवा हो सकता है 200-250-300 रुपए किलो की हो, लेकिन उससे तैयार फॉर्मुलेशन की एक एक टैबलेट बाजार में 20-25 रुपए से लेकर 200-500 हजार रुपए तक बिक जाएगी।
इतना बड़ा धंधे का मुनाफा, माने इतने बड़े मुनाफे का ये धंधा है दवाओं का, और इस मुनाफे के धंधे में उत्पादक कंपनियों को जब 20-20,000% का लाभ है तो वो उस लाभ का फिर बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा ऊपर से नीचे तक होता है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट को वो बंटवारा जाता है, फिर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले चिकित्सक हैं उनके पास भी कुछ हिस्सा पहुंचता रहता है, ताकि आप उनकी दवाएं लिखते रहें, ताकि उनको वो सब दवाएं बेचकर मुनाफा होता रहे, और इस तरह से ये सारा रैकेट तैयार हो जाता है। अब इस पूरे रैकेट में जो पिस रहा है वो साधारण आदमी है, गरीब आदमी है। भारत जैसे देश के बारे में तो विशेष बात है कि हमारा भारत देश इस समय 115 करोड़ लोगों का देश है, 115 करोड़ लोगों में 84 करोड़ लोगों की आमदनी एक दिन में 20 रुपए से कम है। जिस देश में 84 करोड़ लोग 20 रुपए से कम की आमदनी एक दिन में कर पाते हो, वहां के लोगों को दवाएं बेचना, और वो भी महंगी दवाएं बेचना, ये किसी भी बड़े अपराध से कम नहीं। यहां की तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सस्ती से सस्ती दवाएं कम से कम लागत पर, कम से कम मुनाफे पर लोगों के लिए उपलब्ध हों, लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो गया है। महंगी से महंगी दवाएं ज्यादा से ज्यादा मुनाफे पर हमारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। हमारे देश में गरीबी का आलम यह है कि भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल आबादी में मात्र 35% लोग ही हैं जो इलाज करने की स्थिति में है, माने जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो आपके पास आ सकते हैं, आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के पास जा सकते हैं, होम्योपैथी में जा सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, आयुर्वेद, मैग्नेट थेरेपी, नेचुरोपैथी, सब तरह की चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकने की स्थिति में सिर्फ 35% लोग हैं। 65% लोग तो अभी भी अपनी बीमारी की स्थिति में किसी ओझा के पास जाते हैं, कोई झाड़ फूंक करने वाले के पास जाते हैं, और आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। वो ओझाओं के पास जा रहे हैं, झाड़फूंक करने वालों के पास 65% लोग जा रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी श्रद्धा और विश्वास का मामला नहीं है, मजबूरी का मामला है, क्योंकि उनके पास दवा खरीदने के लिए और किसी चिकित्सक के पास जाने के लिए उतने पैसे नहीं है। और दवा व्यवसाय में मुनाफाखोरी, कॉमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कोई सस्ती दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो इन कारणों से हमारे देश का आम आदमी बहुत पिस रहा है और परेशानी में जी रहा है। जरूरत की दवाएं 450 और फॉर्मुलेशन बिक रहे हैं 84,000। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यह गोरख धंधा चल रहा है। हमारे देश में समय समय पर सरकारों की तरफ से अलग अलग बार संसद में बयान दिए गए, संसद के दबाव में आकर समय समय पर सब कमेटीज बनाई गई, स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई, स्टीयरिंग कमेटीज बनाई गई इस विषय पर सरकार के द्वारा जांच करने के लिए, और हर बार नतीजा उसका शून्य ही निकला। कई बार संसद में यह हंगामा हुआ है कि भारत में इतनी गैर जरूरी और बेकार की दवाएं क्यों बिक रही हैं, तुरंत सरकार एक कमेटी बना देती है, वो स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है, स्टीयरिंग कमेटी हो सकती है, 2-4 साल वो रिसर्च करती है, आंकड़े लगभग वैसे ही आते हैं कि फालतू दवाएं बहुत ज्यादा हैं, गैर जरूरी दवाएं बहुत ज्यादा हैं, तो अब इनको खत्म कैसे किया जाए, कमेटी उनके रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन सरकार उस पर कुंडली मार के बैठ जाती है, एक भी कमेटी की बात को सरकार कभी मानती नहीं। कारण क्या है कि जो गैर जरूरी दवाओं को बनाकर बेच रहे हैं उनके भारत सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बड़े गहरे रिश्ते हैं, क्योंकि ये बिना उसके संभव नहीं। कोई भी कंपनी जब गैर जरूरी दवाओं का, बेकार की दवाओं का व्यापार करती है तो उसकी सेटिंग हमारे देश के मंत्रियों से लेकर सांसदों से लेकर अधिकारियों तक सबके साथ हो जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि संसद में किसी कंपनी के बारे में सवाल पूछा जाता है, कंपनी वाले तुरंत पहुंच जाते हैं सवाल पूछने वाले सांसदों के पास, और अगले ही दिन पता चलता है कि वो सवाल गायब हो गया, जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसका उत्तर जानने से भी इनकार कर दिया, पता नहीं क्या लेन देन हुआ, कैसी सेटिंग हो गई। तो हमारे देश में करप्शन का लेवल इतना ऊंचा, भ्रष्टाचार का लेवल इतना ऊंचा, उस स्थिति में सरकार की तरफ से कोई प्रभावी काम नहीं हो रहा है इस दिशा में। और अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक ही रास्ता बचता है, जो संवेदनशील और बुद्धिमान चिकित्सक हैं उनके सामने इस विषय को रखा जाए और शायद उसमें से कोई रास्ता निकाला जाए, यही एक अभीष्ट हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने ये विषय आपके सामने उठाया। हमारे देश में
जो फालतू की बेकार दवाएं बिक रही हैं, जिनको दुनिया के किसी देश ने बेचने से मना कर दिया। आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि दुनिया में बांग्लादेश जैसे छोटे देश 50 से ज्यादा हैं, जिनकी आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इन देशों ने भी इतने सख्त कानून बना रखे हैं कि वहां फालतू की गैर जरूरी दवाएं और खतरनाक दवाएं बिक नहीं पाती उनके बाजारों में। मुझे बहुत अफसोस है और दुख है ये कहते हुए कि जिन दवाओं को बांग्लादेश की सरकार ने भी बंद करा दिया है अपने बाजार में, वो दवाओं को भारत की सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। जिन दवाओं को नेपाल की सरकार ने बंद करा दिया है अपने बाजारों में फालतू और गैर जरूरी मानकर, उन दवाओं को भारत सरकार बंद नहीं करा पा रही है अपने बाजार। एक बहुत छोटे से देश की बात करना चाहता हूं, बिल्कुल छोटा सा देश है, भारत के एक शहर के बराबर का देश है, उसका नाम है ब्रूनेई। वहां पे प्रजातंत्र नहीं है, राजाशाही है। दुनिया में अभी भी कई देश हैं जहां पर राजा होता है। ब्रूनेई नाम का एक छोटा सा देश है, वहां राजाशाही चलती है। भारत में शायद हरिद्वार जिला ब्रूनेई से बड़ा होगा। तो ब्रूनेई जैसे देश ने अपने नागरिकों के लिए कानून इतना सख्त बना रखा है कि वहां कोई भी कंपनी गैर जरूरी दवा नहीं बेच सकती, फालतू दवा नहीं बेच सकती, खतरनाक दवा नहीं बेच सकती। तो जो दवाएं ब्रूनेई में बंद हैं, नेपाल में बंद हैं, बांग्लादेश में बंद हैं, ट्रिनिडैड टोबैगो में बंद हैं, अफ्रीका के कई देशों में बंद हैं, लैटिन अमेरिका के देशों में बंद हैं, यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सालों से बंद हैं, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हजारों करोड़ रुपए का उनका मुनाफा है उन दवाओं का, और लोग उनको खा रहे हैं और मौत की नींद में सोते चले जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने 63 साल की आजादी में जितनी भी कमेटियां बनाई हैं दवा के क्षेत्र में कोई निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी कमेटियों का एक निष्कर्ष कॉमन है, वो ये कि भारत में गैर जरूरी, खतरनाक और बेकार की दवाएं खाकर जितने लोग मर जाते हैं, उतने लोग तो शायद इस देश में अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरते होंगे। ये सभी कमेटियों का निष्कर्ष है और हर कमेटी ने भारत सरकार से एक ही बात कही है कि जल्दी से जल्दी सरकार इनके ऊपर पाबंदी लगाए, क्योंकि लोग जितने ज्यादा बीमारियों से मर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा गैर जरूरी और खतरनाक दवाएं खाकर मर रहे हैं। ये भारत की स्थिति हर कमेटी ने अपने निष्कर्ष में व्यक्त की है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी सरकार का और भला हमारे देश में इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था का कि किसी भी कमेटी की इस बात को माना नहीं गया। मैं कुछ दवाओं के नाम आपको सुनाना चाहता हूं जिनको दुनिया भर की सरकारों ने बंद कर रखा है, जिन दवाओं को कोई खरीदता नहीं, दुनिया में बेचता नहीं, उनके अपने देशों में जहां की ये कंपनियां हैं वहां भी ये दवाएं बैन है, और एक दो साल से नहीं, 20-20 साल से बैन है, 30 साल से, 40 साल से बंद है, वो दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। कुछ नाम सुनाता हूं आपको। एक दवा है, उसका नाम है बाईप्राइड। ये दुनिया में आयरलैंड, फिलीपींस, ओमान, अमेरिका, अर्जेंटीना, कोलंबिया, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रूनेई, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी जैसे 85 देशों में बैन है ये दवा, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। इसी तरह से सीफेक नाम की एक दवा है, सिपिड नाम की एक दवा है, सीसा है, फिर सीसा प्राइड है, फिर सीसा नॉर्म है, फिर सीसा प्रो है, फिर सीसा वॉल है, फिर एसप्राइड है, फिर एसप्राइड एमपीएस है, फिर केनोप्राइड है, फिर मोटेन है, फिर मोटिलेक्स है, फिर मोटिकेयर है। ऐसी पूरी लंबी सूची है, एक दो नहीं हजारों दवाओं की, जो भारत में धड़ल्ले से बिक रही। और हमारे देश की संसदीय समितियों ने समय समय पर सरकार के सामने ये रिकमेंडेशन किया है कि इनको बंद कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए। सरकार कहती है हाँ अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, साल भर होते हैं, 2 साल होते हैं, और फिर भी धड़ल्ले से ये बिकती ही चली जाती हैं और भारत के लोगों को मौत के मुंह में धकेलती जाती हैं। क्योंकि दुनिया भर के विशेषज्ञों का इन दवाओं के बारे में कहना है कि ये दवाएं किसी भी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को हृदयघात का शिकार बना सकती हैं, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, खून में जो भी कुछ मात्राएं हैं
जैसे प्लेटलेट्स के काउंट हैं, उनको अचानक से ऊंचा और नीचा करा सकती हैं, जिससे अंत में व्यक्ति मौत के ही मुंह में चला जाए, और कई तरह के शरीर में विकलांगता की स्थिति पैदा कर सकती हैं। बीसियों किस्म की विकलांगता इन दवाओं से जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा हृदयघात इन दवाओं से जुड़े हुए हैं। फालतू में हृदयघात लाने में ये दवाएं सबसे आगे हैं दुनिया में, लेकिन भारत में बिक रही हैं धड़ल्ले से। दुख है, दुर्भाग्य है हमारे देश के उन सभी मरीजों का जो इन दवाओं को खा रहे हैं और मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। सरकार को जब भी ये सवाल पूछा जाता है संसद में कि गैर जरूरी दवाएं खाकर, बेकार की खतरनाक दवाएं खाकर हर साल कितने लोग मरते हैं, सरकार कभी भी उनका ठीक ठीक आंकड़ा नहीं दे पाती है। वो बात करते हैं हजारों में मरते हैं, लाखों में मरते हैं। जब सरकार को ठीक ठीक पूछा जाता है कि कितने लाख मरते हैं, तो सरकार के मंत्री का जवाब होता है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 1991 से 2009 तक सतत संसद की लोकसभा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हर साल कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सरकार को एक ही सवाल रिपीट करते हैं। करीब करीब हर सत्र में वो सवाल आ जाता है, वो यही होता है कि भारत सरकार बताए गैर जरूरी दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई, भारत सरकार बताए खतरनाक दवाओं से पिछले साल कितने लोगों की मौत हुई। सरकार कहती है आंकड़े उपलब्ध नहीं। और आंकड़े क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि वो आंकड़े सरकार अगर जारी करे पूरे देश के सामने तो तमाचा सरकार के ही गाल पर पड़ता है। इसलिए ये कहकर छुट्टी पाली जाती है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हजारों में कभी बोल देते हैं, लाखों में कभी बोल देते हैं। लाख तो कुछ भी हो सकता है, एक लाख से लेकर 100 लाख तक लाखों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक करोड़ों में आता है, फिर उसके ऊपर 1 अरब से लेकर अरबों में आता है। तो आंकड़े हजारों लाखों में सरकार के द्वारा बोले जाएं तो वो शोभा नहीं देता, लेकिन सरकार जानबूझ के ये सारी जानकारी छुपा के रखती। और हमारे देश में जानकारी को निकालना सरकार के पास से बड़ा मुश्किल काम है। कई बार सरकार क्या कह देती है कि कुछ जानकारी बहुत संवेदनशील है, और उसको वो क्लासिफाइड बोलकर ऐसा कह देते हैं कि ये किसी को नहीं दी जा सकती। एक कानून इस देश में चलता रहा बहुत लंबे समय तक, जो अभी थोड़े समय पहले ही खत्म हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उसमें कोई जानकारी डाल दी सरकार ने तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, वो जानकारी निकलेगी ही नहीं बाहर। अभी थोड़े दिन से, जब से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई है, तो ऑफिशियल सीक्रेट का मामला थोड़ा ढीला पड़ा है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी कुछ जानकारी को संवेदनशील बोल के वो छुपा जाते हैं और बताते नहीं है। लेकिन भारत की सभी समितियां जो संसद के द्वारा बनी, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, तो वो ये कहते हैं कि भारत में अपनी मौत जो मरने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा जहरीली दवाएं खाकर, गैर जरूरी दवाएं खाकर मरने वालों की संख्या है इस देश में। तो ये फालतू की दवाओं का जो व्यापार चल रहा है, बहुत लंबी सूची है। कभी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो योग संदेश पत्रिका है, इसमें हर एक अंक में इसको छापा जाए, या अगर बन पड़ा तो भारत स्वाभिमान का कोई प्रकाशन ही इसके लिए निकाला जाए। फालतू की गैर जरूरी खतरनाक दवाएं जो दुनिया के 85 देशों में बंद हैं, वो यहां बिक रही हैं और उनका व्यापार बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ और है, इस दवाओं के नाम है एक्रोमाइसिन, एक दवा 40 साल से यूरोप और अमेरिका में बंद है, यहां भारत में लंबे समय तक बिकती रही है, फिर कभी बंद हुई सरकार के दबाव में तो दूसरे नाम से शुरू हो गई, फिर दूसरे नाम पर बैन कराया तीसरे नाम से शुरू हो गई, तीसरे नाम पर बैन कराया चौथे नाम से शुरू हो गई। यहां तो इतनी बड़ी धांधली है हमारे देश के दवा क्षेत्र में कि एक दवा को सरकार ने जबरदस्ती ऑर्डर देके बंद भी कर दिया तो वही दवा को नाम बदल के बाजार में फिर उन्होंने उतार दिया, थोड़ा मॉलिक्यूल में चेंज किया और उतार दिया फिर उसी को बाजार, क्योंकि कंपनियों को यह लगता है कि अच्छा धंधा और अच्छा मुनाफा उनको जरूरी दवाओं के व्यापार में न होके गैर जरूरी दवाओं के व्यापार में है, तो उसको वो क्यों छोड़ें। इसी तरह से एक्टिमॉल है, एडोल है, फिर हमारे पास अल्फा स्पिन है, अल्फा ट्रिप है, एल्जुरिल है। एक और दवा का नाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं, याद आ गया, निमूसुलाइड। निमूसुलाइड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ एक बात पर सहमत हो चुके हैं कि ये बहुत खराब और खतरनाक दवा है, ये जितने लोगों की जान बचाती है उससे ज्यादा तकलीफ में डाल देती है। इसलिए स्वीडन ने इसको बैन किया सबसे पहले, स्पेन ने इसको बैन किया, डेनमार्क ने बैन किया, नॉर्वे ने बैन किया, फिर उसके बाद पुर्तगाल ने बैन किया,
फिर दुनिया भर के ऐसे पचासियों देशों में ये निमूसलाइड बैन हो गई, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमारे बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर बहुत ज्यादा पैमाने पर लिख रहे हैं। एनाल्जिन नाम की एक दवा आप जानते हैं, दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सबसे ज्यादा ऑब्सोलीट जिसको करार दे दिया कि इससे ज्यादा फालतू की और बेकार की दवा नहीं हो सकती है, वो एनाल्जिन की हमारे देश में साल की बिक्री लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए की है। अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, यूरोप में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, लैटिन अमेरिका में जिस दवा को कोई पूछता नहीं, एशिया के देशों में जिस एनाल्जिन को कोई पूछने वाला नहीं है, आपको शायद मालूम होगा कि टेक्स्ट बुक में से भी यह दवा बाहर हो चुकी है सालों साल पहले, लेकिन भारत में इसका इतना बड़ा बाजार है एनाल्जिन का, लगभग 35 करोड़, पिछले साल का मैंने मार्केट पता किया, 37 करोड़ रुपए की बिकी है ये दवा। और ये ऑफिशियल है, आपको हर बार मैं ये कह रहा हूं कि आंकड़े जो है वो सरकार जो रिलीज कर देती है, जो अनऑफिशियल है, गैर कानूनी तरीके से ये बना के बाजार में बेची गई होगी, उसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। निमूसलाइड का मार्केट जहां सब बंद हो रहा है दुनिया में, यहां धड़ल्ले से चल रही है, एनाल्जिन का मार्केट जहां दुनिया में बंद है वो भारत में धड़ल्ले से चल रही है। आपको बड़ी हंसी आएगी सुनकर कि अमेरिका की कई कंपनियां, उनमें से एक कंपनी विशेष रूप से एक दवा यहां बेच रही है, उसका नाम है विक्स। भारत में एक छोटा सा सर्वे किया था हम लोगों ने, और वो सर्वे ये किया था कि किसी भी केमिस्ट के काउंटर पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाएं कौन सी हैं, इसका एक छोटा सा सर्वेक्षण किया था हम लोगों ने, एक टीम बना के काम किया था। पता चला कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी केमिस्ट की दुकान से सबसे ज्यादा जो एक ब्रांड नेम बिक रहा है वो यही है, विक्स। गले की खिचखिच, विक्स की गोली, सर्दी खांसी जुकाम, विक्स ले लो, इसमें तो विक्स ले लो, उसमें तो विक्स ले लो, ऐसा धड़ाधड़ विज्ञापन ये करते हैं। और सारे देश के लोगों का दिमाग ऐसे बनाया हुआ है कि सर्दी खांसी जुकाम सीधे विक्स में जाओ, और गले की खिचखिच हो जाए तो विक्स खाओ, तो इसके लिए विक्स लगाओ, तो उसके लिए विक्स लगाओ, अकेला एक ब्रांड नेम सबसे ज्यादा बिक रहा है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये जानने की कोशिश की कि अच्छा पता लगाओ, ये जो विक्स का ब्रांड नेम है जिसको एक अमेरिकन कंपनी भारत में बेच रही है, उस कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये कंपनी अपने देश में बेच रही है क्या इसको, और यूरोप के देशों में बेच रही है क्या, क्योंकि प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मार्केट तो दुनिया भर के देशों में है, 56 देशों में व्यापार करती है। पता चला कि अमेरिका में नहीं बिकता ये, यूरोप में नहीं है, फ्रांस में नहीं, जर्मनी में नहीं, स्वीडन में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, डेनमार्क में नहीं, नॉर्वे में नहीं, आयरलैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, किसी भी देश में जो नहीं है उनका ब्रांड, वो भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला उनका ब्रांड है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एक अधिकारी को मैंने पूछा था कि आपके जितने भी ब्रांड हैं भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कौन देता है, तो उन्होंने कहा बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो खाली विक्स देता है, बाकी तो घाटा देते हैं, मुनाफा तो विक्स देता है, तो बाकी का घाटा विक्स के मुनाफे से वो पूरा कर लेते हैं, और इतने धड़ल्ले से सारे देश में ये बिक रहा है। इसी तरह की बहुत सारी दवाएं हैं बाजार में जिनको हमारे देश में टेलीविजन के विज्ञापनों के माध्यम से, रेडियो के विज्ञापनों के माध्यम से, अखबारों के विज्ञापनों के माध्यम से ये कंपनियां बेच लेती। आप जानेंगे कि दुनिया भर के देशों में ये कानून है कि दवाओं का विज्ञापन आप नहीं कर सकते, ना टेलीविजन पे, ना अखबारों में, ना पत्रिकाओं में, लेकिन भारत में धड़ल्ले से टेलीविजन पे भी विज्ञापन है, पत्रिकाओं में भी है, अखबारों में भी है, रेडियो पर भी है, और कानून है उसके बावजूद ये है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कानून है उसके बावजूद ये है। कई देशों में कानून थोड़े सख्ती से लागू होते हैं, सिंगापुर जैसा छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में है, कानून वहां भी है, कानून भारत में भी है, लेकिन सिंगापुर में मजाल क्या को कोई कंपनी टेलीविजन पे अपना विज्ञापन कर दे किसी दवा का और वो वहां मार्केट में रह पाए, सवाल ही नहीं उठता। छोटा सा देश है, इतनी सख्ती से इस कानून को लागू करता है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी फौज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इसको लागू ही नहीं करा पाती। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हजारों की संख्या में फालतू में बाजार में बेची जा रही हैं। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, आपकी बहुत बड़ी भूमिका मैं इस काम में देखता हूं।
और वो भूमिका ये है कि आप एक संवेदनशील चिकित्सक होने के नाते, एक बुद्धिमान चिकित्सक होने के नाते अपने जीवन में एक संकल्प छोटा सा कर लीजिए कि मैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर किसी भी मरीज को फालतू की एक दवा भी नहीं लिखूंगा और ऐसी कोई दवा नहीं लिखूंगा जो भारत के मरीज के लिए जरूरी नहीं है लेकिन कंपनी के मुनाफे के लिए बाजार में। अगर आप इतना सा एक छोटा काम कर देंगे तो इस भारत देश के लोगों का हजारों करोड़ रुपए बच जाएगा, लोगों का तो बच ही जाएगा, वो भारत देश के लोगों की जिंदगी भी बचाएगा, उनका जीवन बचाएगा। तो आप अगर अपने मन में एक संकल्प ले लेते हैं, ये बहुत पवित्र संकल्प होगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, आपके सम्मान को मरीजों के दिल में बहुत गहरा स्थान देगा, आप उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे अगर एक छोटा सा काम आप कर लें। मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को कहूंगा। स्वीडन नाम का एक छोटा सा देश है, स्वीडन नाम के देश में 1980 के दशक में थोड़े से कानून में ढीलापन आ गया और विदेशी कंपनियों ने मार्केट को भर दिया। वहां स्वीडन के बाजार में अंधाधुंध गैर जरूरी दवाएं, फालतू की दवाएं बाजार में आ गई। जिन दवाओं से लोगों की मौत हो रही थी ऐसी दवाएं धड़ल्ले से बिकने लगी। एक दवा है उसका नाम है क्विलोक्विनोल, ये जो है सबसे ज्यादा 1980 के दशक में स्वीडन और आसपास के देशों में बेची जा रही थी और एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इस दवा के धंधे में लगी हुई थी। स्वीडन में एक बहुत संवेदनशील चिकित्सक ने झंडा उठाया, बहुत संवेदनशील चिकित्सक, उन्होंने एक झंडा उठाया, उनका नाम था डॉक्टर ओले। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बाजार में, स्वीडन तो बहुत छोटा सा देश है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, आबादी बहुत कम है, भारत के एक जिले से भी छोटा है, लेकिन वहां के एक संवेदनशील चिकित्सक जिनका नाम था डॉक्टर ओले, उन्होंने ये झंडा उठाया कि मेरे देश के लोगों को ये फालतू की दवाएं खानी पड़े, लीवर खराब हो उनका, किडनी खराब हो जाए, मौत के मुंह में चले जाए, लाखों करोड़ों रुपया स्वीडन से विदेशों में हस्तांतरित हो जाए, ये तो नहीं चलने दूंगा। तो उस एक चिकित्सक ने स्वीडन के चिकित्सकों को समझाना शुरू किया, धीरे धीरे एक संगठन बना, उस संगठन में 3000 डॉक्टर शामिल हो गए और 3000 डॉक्टरों ने मिलकर डॉक्टर ओले के साथ एक संकल्प ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया 3000 डॉक्टरों ने कि हम में से कोई भी दवा कंपनी की कोई भी दवा इसलिए नहीं लिखेगा कि वो मार्केट में है, हम दवा लिखेंगे तब जब मरीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। वो अगर जरूरत नहीं है तो मरीज को कहेंगे कि आप बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं और आप अपने जीवन में इतना इतना सा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरी दवाओं का ही प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फालतू गैर जरूरी दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और उन्होंने क्विलोक्विनोल से शुरुआत की। आप जानते हैं क्विलोक्विनोल के जैसी नजदीकी एक दवा है मैक्सोफॉर्म और एक है एंट्रोबायोफॉर्म। तो मैक्सोफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोक्विनोल, उन्होंने एक लिस्ट बनाई और 3000 डॉक्टरों के सभी क्लिनिक में वो लिस्ट चिपका दी गई और सभी डॉक्टरों को कहा गया कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय इस लिस्ट को ध्यान में रखें। परिणाम ये हुआ, 1980 में ये आंदोलन शुरू हुआ, 1984 तक आते आते स्वीडन के बाजार से सारी गैर जरूरी दवाएं बिकना बंद हो। एक चिकित्सक ने हिम्मत दिखाई, उसने अपने सहयोगी चिकित्सकों को तैयार किया, उनकी सेंसिटिविटी को थोड़ा और बढ़ाया, ज्यादा सेंसिटाइज किया। इंटेलिजेंसी तो सभी चिकित्सकों में होती है, सेंसिटिविटी बढ़ने की बात है, संवेदनशीलता उनकी बढ़ती गई बढ़ती गई और एक दिन आकर उन्होंने संकल्प ले लिया। फिर उनका दूसरा संकल्प ये था कि हम 3000 डॉक्टरों का ये जो संगठन है, इस संगठन में आगे भी दूसरों को शामिल करते रहेंगे अगर वो हमारे इस विचार पर चलेंगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, फिर ये आंदोलन स्वीडन से निकल के डेनमार्क में चला गया, डेनमार्क से निकल के फिर नॉर्वे में चला गया, नॉर्वे से निकल के फिर जर्मनी, फ्रांस में चला गया और एक बहुत बड़ी संस्था बन गई। अब वो संस्था वहां काम करती है, उनका नाम है डॉक्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स और वो मिलके पूरे के पूरे यूरोप के ये नॉर्डिक कंट्रीज जो कहे जाते हैं इनमें एक ही अभियान चला रहे हैं और उसमें पूरे सफल हैं कि एक भी फालतू की गैर जरूरी दवा और खतरनाक दवा उनके बाजार में बिक नहीं सकती क्योंकि उसका वो प्रिस्क्रिप्शन करते नहीं है। सारी दवा कंपनियां उन डॉक्टरों को लालच देके परेशान हो चुकी हैं, बहला फुसला के परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो डॉक्टर झुकते नहीं हैं, उनकी इज्जत, उनका सम्मान
वहां के मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ा है। और एक अच्छी बात बताऊं कि ये सारे डॉक्टरों की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में जब उनसे पूछा गया अनेक अनेक बार कि आपकी प्रैक्टिस का क्या हुआ, आपने जब ये फालतू गैर जरूरी दवाएं लिखना कम किया तो कंपनियों ने आपको पैसे देना, कमीशन देना बंद किया, वो तो आपकी कमाई कम हो गई, तो सभी डॉक्टर कहते हैं पहले से ज्यादा बढ़ गई। क्यों? तो वो कहते हैं कि पहले जो मरीज हमारे ऊपर शक करते थे, आशंका करते थे, अब वो भी भरोसा करने लगे हैं, इसलिए हमारे पास अब ज्यादा पहले से मरीज आने लगे। ये डॉक्टर्स लोगों के समूह में डॉक्टर ओले का अभी तो स्वर्गवास हो गया है, उनके स्वर्गवास के पहले उनका एक लंबा इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि जब से आपने ये अभियान शुरू किया फालतू गैर जरूरी दवाओं के बहिष्कार का, आपकी अपनी निजी आमदनी के बारे में बताइए वो कहां पहुंची है। तो उन्होंने कहा मेरी निजी आमदनी 3.5 गुनी बढ़ गई है, क्योंकि पहले मेरे पास जितने मरीज आते थे अब उससे कई गुने ज्यादा मरीज आ रहे हैं, और मुझे अब दूसरे देशों में बुलाया जाने लगा है क्योंकि मैं इस अभियान के एक नेता के रूप में स्थापित हुआ हूं। तो आसपास के 20-25 देशों में मेरी विजिट होती है और वो लोग मुझे बिल्कुल भगवान के बराबर का दर्जा देते हैं कि ऐसे ईमानदार डॉक्टर की दुनिया को जरूरत है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्वीडन में डॉक्टर ओले हो सकते हैं तो भारत में भी ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों डॉक्टर ओले हो सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं जैसे वो हैं, हमारी संवेदनशीलता भी उतनी ही है जितनी उनकी है, हमारी बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंसी भी उतनी है जितनी उनकी है, बस हमको एक दिशा लेकर काम में लग जाने की जरूरत है, बाकी तो सब पीछे पीछे चल पड़ेगा। तो आज आप सब चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक छोटी सी शुरुआत करिए, और वो शुरुआत यहीं से करिए कि फालतू की गैर जरूरी बेकार की दवाएं हम मरीज को लिखेंगे नहीं, और कोई मरीज आग्रह करेगा तो उसको समझाएंगे, डिस्करेज करेंगे। तो ये कंपनियों का इतना बड़ा जो नेटवर्क खड़ा हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का जो मुनाफे का उनका चक्र चल रहा है जिसमें हजारों प्रतिशत के मुनाफे वो लूट रहे हैं, ये एक झटके में टूट सकता है। हमारी सरकार तो इस चक्र को तोड़ नहीं पाएगी जब तक कि कोई ऐसी सरकार ना आ जाए जो बहुत ईमानदार हो और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से मिटाने के लिए कटिबद्ध हो। ऐसी कोई सरकार आ जाए तो वो एक झटके में कर सकती है, लेकिन जब तक वो सरकार नहीं आती तब तक हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हम अपने जीवन से एक छोटी सी शुरुआत कर सकते। मुझे आपसे ये एक बात कहनी है कि फालतू की गैर जरूरी दवाएं आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए। आप अपने कॉन्शियस से, अपने अंतरात्मा से ये पूछ लीजिए कि जिन दवाओं को मैं मेरी पत्नी को नहीं लिख सकता, मेरी बेटी को नहीं लिख सकता, मेरे भाई को नहीं दे सकता, मेरी माँ को और पिता को जो दवाएं मैं नहीं खिला सकता, वो दवाएं किसी दूसरे मरीज के लिए मैं क्यों लिख। एक ही पैमाना बनाएं अगर आप अपने जीवन में कि मैं जिन दवाओं को मेरे माता पिता को नहीं लिख सकता, भाई बहन को नहीं लिख सकता, पत्नी बेटी और को नहीं लिख सकता, मेरे बच्चों को जो दवाएं मैं नहीं दे सकता, वो दवाएं मैं किसी भी मरीज के लिए क्यों लिखूं। खुद भी मर जाऊं तो खुद नहीं ले, और आप भी नहीं ले सकते, ये भी सही बात। तो आप जो दूसरों को वैसा ही मानने लगे जैसे आप हैं, आपके परिवार ही जैसे ही सब हैं, अगर हम अपने आप में ही पूरे समाज की छवि देखना शुरू करें और पूरे समाज की छवि अपने परिवार में देखना शुरू करें कि ये मरीज भी मेरे भाई बहन सरीखे हैं, मेरे माता पिता सरीखे हैं, मेरे बेटे बेटियां सरीखे हैं, तो आपके हाथ रुक जाएंगे, आप वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएंगे, और उसी दिन से आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, और वो नया अध्याय आपको हो सकता है भारत का डॉक्टर ओले बना दे, भारत में कोई दूसरा तीसरा चौथा ऐसा क्रांतिवीर पैदा कर दे। मैं आपसे कहां से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूं। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मॉल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी, बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मॉल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपए किलो का है, 250 रुपए किलो का है, 280 रुपए किलो का है, 350 रुपए किलो का है, 400 रुपए किलो का है।
अब 400 रुपए किलो का, 350 रुपए किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा यह है कि उसको कह दीजिए 40 रुपए किलो की मूंगफली खा लो, मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो, चना तो 20 रुपए किलो में उपलब्ध है, मूंगफली 40 रुपए किलो में उपलब्ध है, जौ का सत्तू हिंदुस्तान में 15-17 रुपए किलो में उपलब्ध है, गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो, ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीजें। और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपए किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है तो उसको कह दो 400 रुपए किलो का बादाम ही खा लो, 200 रुपए किलो का काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो। और फालतू में बहुत सारे टॉनिक इस देश में है, जैसे एक डेक्सोरेंज नाम का टॉनिक बिक रहा है इस देश में, धड़ल्ले से बिक रहा है, खून की कमी के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में, तो डेक्सोरेंज जो खा रहे हैं या आप उनको कभी कह रहे हैं या दूसरे डॉक्टरों से वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के उसका ला रहे हैं, तो उनको कहिए भैया खून की ही कमी खत्म करनी है तो अनार का रस पी लो जो डेक्सोरेंज से बहुत सस्ता पड़ता है इस देश में, आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को खत्म करने वाले हैं, गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं, केला है, अमरूद है, भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर, हाँ केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब है, तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है, वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट, तो वो रोज देख रहा है टीवी पे क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है तो बूस्ट खा के ही संभव है, और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, ना किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने, ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर बने और इनके क्रिकेट के शॉट इतने ताकतवर हैं, साधारण परिवारों में पैदा, हाँ, इनमें से एक भी ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है जो चांदी की चम्मच लेके किसी करोड़पति के घर में पैदा हुआ हो जो बूस्ट खाने की हैसियत रखता हो, ये तो सब साधारण परिवारों के लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे वाले तबके में पैदा हुए सब क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका जीवन परिचय आप उठा के देखेंगे और पता चलेगा कि ये तो केला खा के, अमरूद खा के, चना खा के, सत्तू खा के, जौ खा के ताकतवर बने। हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी, बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है, माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहां से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है, तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार, तो वो कहता है कि कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं दो केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर दो केले खा लेता हूं, फिर खेलता हूं, फिर दो केले खा लेता हूं। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का, उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूं, खाने के लिए थोड़ी करता।
केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूं। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियां सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी जिंदगी में साधारण चीजें खाकर असाधारण बने हैं, क्योंकि पोषकता उन्हीं चीजों में है जो सस्ती है, बहुत महंगी चीजों में पोषकता नहीं है। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है, इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी, जितना महंगा ताकत का टॉनिक उतना अच्छा, जितना ज्यादा फीस ले डॉक्टर उतना अच्छा। ये गलत एक वायरस घुस गया हमारे देश के नागरिकों के मन कि ज्यादा फीस ले रहा है तो अच्छा डॉक्टर है, खूब दवाएं लिख रहा है, एक छोटी बीमारी के लिए 15-16 दवाएं लिख रहा है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, फिर ऊपर से इंजेक्शन ठोक दे तो और अच्छा डॉक्टर है। ये वायरस आप निकाल दीजिए, ये वायरस निकालने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमारे देश का साधारण गांव का गरीब आदमी, किसान, मजदूर जब डॉक्टर के पास जाता है, मैंने देखा डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, अब डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि इंजेक्शन की नहीं नहीं लगा दो आप, जरूरत नहीं है फिर भी लगा दो, चाहे पानी का ही लगा दो आप, तो उसको मन में संतोष हो जाए, लेकिन वायरस ऐसा घुस गया। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मरीजों को आप सिर्फ चिकित्सा दे रहे हैं इतना ही नहीं है, मरीजों को थोड़ी शिक्षा भी दे दीजिए, उनको एजुकेट भी कर दीजिए तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मुझे भारत में कई बार ऐसा लगता है कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है, हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज तो काफी कुछ हो गई हैं अब इस देश में, बहुत सारे चिकित्सालय हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारी दवा की दुकानें हैं, लेकिन हेल्थ एजुकेशन के नाम पर इस देश में बड़ा शून्य है। और उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, हमारे देश की सरकार ने पिछले साल एक आंकड़ा दिया जो बहुत दिल दहलाने वाला है। पिछले साल भारत देश में 50,00,000 बच्चों की मौत हुई डायरिया से। भारत सरकार का कहना है डायरिया से 50,00,000 बच्चे मर गए, और सरकार का कहना है कि एवरेज माने औसतन हर साल डायरिया से 50,00,000 बच्चे मरते हैं, किसी साल 46,00,000 होते हैं, किसी साल 54,00,000 हो जाते हैं, किसी साल 52,00,000, किसी साल 48,00,000, पिछले कई वर्षों से ये एवरेज निकल रहा है कि 50,00,000 बच्चे डायरिया से मरते हैं। सभी चिकित्सक इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि डायरिया बहुत जल्दी और आसानी से ठीक होने लायक बीमारी है, बस इसमें एजुकेशन की जरूरत है, शायद इसमें दवा की इतनी जरूरत नहीं है लेकिन एजुकेशन की जरूरत है। और वो एजुकेशन साधारण सा किसी भी गरीब आदमी को आप कह दो कि भैया डायरिया हो गया तुम्हारे बच्चे को, नींबू की शिकंजी बना लो, उसमें थोड़ा नमक डाल के बच्चे को दो दो चम्मच पिलाते रहो 5-5, 7-7, 10-10 मिनट से, तो डायरिया तो ठीक होगा ही, बच्चा मरेगा भी नहीं। इतनी आसान बात है। परम पूजनीय स्वामी जी एक नुस्खा बताते हैं जिसको आप जरूर उपयोग करिए कि कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर तुरंत पिला दीजिए फटने से पहले, एक खुराक में ही इतना गहरा असर आता है कि दवाओं की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50,00,000 बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से, ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को। भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहां के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी एक दो नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा,
कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50,00,000 बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज इस देश में मिलती है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहां जानवरों की संख्या नहीं है, वहां पर विटामिन ए की कमी से हजारों बच्चे अंधे हो जाएं, तो एक बार को समझ में आता है। भारत जैसे देश में जहां प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है, वहां अगर हजारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10-12-15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं, और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं, और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की, पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियां ले आते हैं, कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को, चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ, ये चूना खाने के लिए है। हाँ, बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ, उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है, और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो बीसियों तरह के उद्योग में जा रहा है, वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने,
फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है, और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की, तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है, वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए, ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में 60-70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण है। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है, आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये साधारण साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है, और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है, और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हमारे देश में एक कानून चलता रहा, इंडियन पेटेंट एक्ट। 1970 में मैं आपसे बता रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था इस देश में, एक कानून बनाया था इंडियन पेटेंट एक्ट। उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थी कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है, पेटेंट आप जानते हैं एक कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर, विशेष दवा के ऊपर। तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया, उसमें व्यवस्था ये की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी, तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाए, सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाए। मान लीजिए कोई एक दवा है, एक्स वाई जेड उसका नाम है, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा, ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाए। ये श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में, बहुत बहस हुई थी इस कानून पर, लेकिन संसद ने इसको पास किया था। इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा, प्रक्रिया का होगा, और अधिकतम 5 से 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा। फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया, वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के 2 साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी, तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी, वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर, उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे, उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में, कि भारत में 2 तरह की चीजें हैं दुनिया में है, एक होती है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा, और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे। तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया, और इन्वेंशंस जो हैं आविष्कार, उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में यह कानून बना था, इसके पहले क्या था? 1970 से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, राज किया था, तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था। सबसे पहले 1856 में बनाया था, उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1856 में। उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था। उस कानून के आधार पर भारत में 1970 तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। 1970 में श्रीमती गांधी ने यह कहा
कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, हमको बदल करना चाहिए था 1947 नहीं, लेकिन हम नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में 1967 में, तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं करना चाहूंगी, उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूं, उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला। तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने खत्म किया था, क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी, प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी। दूसरा, 1911 के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था, माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी, मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी, 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी। 1911 के पेटेंट एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे। माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में, श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का, भारत की जरूरत का पेटेंट कानून बनाया। और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है। अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने, अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है। जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के जमाने वाले पेटेंट कानून में होते थे। जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा। दूसरा उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी। तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा, प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान यह है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे, वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है। माने सारे के सारे अंग्रेजों के जमाने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है। इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया है और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं, और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूं, कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाजार में उपलब्ध हैं वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी 1970 वाले से। अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया, अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से जो पूरी तरह से अंग्रेजियत वाला है। इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8-10-12 हजार रुपए में उपलब्ध थी अब उनकी बाजार में कीमतें 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच गई। और बड़े बड़े चिकित्सकों को मैंने ये चिंता करते देखा है, वो ये कहते हैं कि पहले जो दवाएं 8-10 हजार में आसानी से उपलब्ध हो जाती थी कैंसर के इलाज में, अब उन्हीं दवाओं के लिए 1.5-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक एक आम आदमी को खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दवाएं बनाने का अधिकार और बेचने का अधिकार कुछ कंपनियों के हाथ में केंद्रित हो गया है। सब कंपनियां उन दवाओं को नहीं बना सकती और नहीं बेच सकती क्योंकि पेटेंट नहीं, पहले बिना पेटेंट के थी जिसको अंग्रेजी में ऑफ पेटेंटेड कहा जाता है वो दवाएं, अब वो सब पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। हमारे भारत के बाजार में एक छोटा सा सर्वेक्षण अभी किया और ये जानने की कोशिश की कि कितनी दवाएं हमारे देश में हैं जो पेटेंट के दायरे में आई हैं, तो आपको मैं ग्रुप के हिसाब से बताना चाहता हूं। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, सभी एंटीबायोटिक दवाओं में 40% दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल जो दवाएं हैं बाजार में,
उनमें से 98% दवाएं 98% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद जो एंटी फंगल दवाएं हैं वो लगभग 69% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। फिर उसके बाद हृदय रोग नाशक कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन जिनको आप कहते हैं वो दवाएं करीब करीब 74% पेटेंट के दायरे में आ गई। फिर उसके बाद दर्दनाशक जो दवाएं हैं, दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो करीब 78% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और फिर उसके बाद जो एंटी डायबिटिक मधुमेह नाशक दवाएं हैं वो करीब 55% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और अस्थमा नाशक एंटी अस्थमेटिक जो मेडिसिन हैं वो 47% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है वो करीब 88% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। और जो एंटी अल्सर दवाएं हैं, अल्सर रोधी, वो करीब 65% पेटेंट दायरे में आ गई हैं। और जो ल्यूकेमिया के काम में, ल्यूकेमिया इलाज में ल्यूकेमिया रोधी दवाएं जो मानी जाती हैं वो 32% पेटेंट के दायरे में आ गई हैं। मतलब कुछ ही दवाएं हैं जो अब पेटेंट दायरे के बाहर हैं। एंटीबैक्टीरियल में तो सिर्फ 2% दवाएं हैं जो पेटेंट दायरे के बाहर हैं, और दूसरे ग्रुप्स में किसी में 20-25, किसी में 40% तक। इसका मतलब यह है कि जो दवाएं पेटेंट के दायरे में आ गई अब उनके ऊपर एकाधिकार किसी कंपनी का हो गया। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, अगर इस बॉल पेन के ऊपर मुझे पेटेंट मिल गया तो आप जान लीजिए इसको बनाकर बेचने का 20 साल तक अधिकार मेरे हाथ में रहेगा, कोई भी दूसरा इस बॉल पेन को ना बना सकेगा ना बेच सकेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने और कंपनी ने इस बॉल पेन को बनाकर बेचने की बाजार में कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा और मुकदमे में जीत मेरी होगी और उस कंपनी को ताला लग जाएगा, लिहाजा कोई भी कंपनी बाजार में मेरे कंपटीशन में नहीं उतर सकती। एक तरफ सारी दुनिया में ये शोर किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन करो ताकि कंपटीशन बढ़े, ग्लोबलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो ताकि प्रतियोगिता बढ़े, कंपटीशन बढ़े। दूसरी तरफ पेटेंट की व्यवस्थाओं के माध्यम से एकाधिकार करने की कोशिश और साजिश इस देश में शुरू हो गई। और ये पेटेंट की व्यवस्थाओं में सबसे खराब एक नियम है वो ये फर्स्ट कम फर्स्ट गए, माने जिसका पेटेंट एप्लीकेशन पहले आएगा पेटेंट उसी को दिया जाएगा, चाहे उसको जरूरत हो या उसको जरूरत ना हो, उसका पेटेंट क्लेम बिल्कुल निर्दोष हो या नहीं हो, लेकिन एप्लीकेशन पहले दिया है तो उसी का होगा। मान लीजिए मैंने भारत के पेटेंट रजिस्ट्रार के कार्यालय में एक दाखिल किया एप्लीकेशन किसी पेटेंट के लिए और मुझसे एक घंटे पहले किसी और कंपनी ने दाखिल कर दिया वही पेटेंट, तो मुझे नहीं मिलेगा, उस कंपनी को मिलेगा, भले ही मेरा क्लेम कितना भी जेन्युइन हो। ऐसी स्थिति में भारत के बाजार में अब विदेशी कंपनियों का धीरे धीरे एकाधिकार बढ़ गया है और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है इस देश में दवाओं के दाम अंधाधुंध बढ़ा दी, इतनी महंगी कर दी हैं दवाएं कि अब आम आदमी के बस में इलाज नहीं रह गया। और इन कंपनियों का आखिरी उद्देश्य क्या है? पेटेंट हासिल करके एकाधिकार 20 साल के लिए अपने हाथ में रखना, माने 20 साल तक वो दवा बनाएं, वही बेचें, पूरा मुनाफा वही कमाएं, दूसरा कोई उस दवा को ना बना सके ना बेच सके। आप जानते हैं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम हुआ कि हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जरूरी दवाएं बना रही थी, एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ती कीमत पर हमारे देश में बनाने के लिए एक कंपनी बनी थी जिसका नाम है IDPL, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। IDPL की ज्यादातर इकाइयां अभी बंद हो गई इस कानून के आने के बाद। क्यों? IDPL जो कुछ बनाता था सस्ती कीमत पर बाजार में बेचता था, अब उन दवाओं पर विदेशी कंपनियों का पेटेंट हो गया, अब IDPL ना उनको सस्ता बना सकता है ना बेच सकता है, अब वही कंपनियां उनको बेचेंगी जिनके हाथ में उसका पेटेंट है। IDPL के पास कोई एक दवा बनाने के 20 प्रोसेस हो सकते थे, लेकिन वो सारे प्रोसेस अब उनके धरे के धरे रह गए क्योंकि विदेशी कंपनी के हाथ में वो पूरा एकाधिकार चला गया। अब परेशानी ये हो रही है कि जो जरूरी दवाएं थी, जीवन रक्षक दवाएं थी, वो बाजार से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फालतू की दवाएं, बेकार की दवाएं बाजार में भरी जा रही हैं और भारत के लोगों का सादा खून चूस चूस कर ये विदेशी कंपनियां लूट कर ले जा रही। जिन कंपनियों के हाथ में ये सारी की सारी पेटेंट व्यवस्था आई है,
इन कंपनियों के कुछ आंकड़े निकालने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये कितना हमारे देश में पेटेंट की व्यवस्था से लूटने के लिए तैयार बैठे हैं पैसे को, और कितना पैसा ये हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। हमारे देश की सरकार एक गलत बात पूरे देश में प्रचारित कर रही है, वो ये बात प्रचारित कर रही है कि भारत में विदेशी कंपनी आती है तो पैसा लेके आती है और उनके पूंजी से देश का विकास होता है और उस पूंजी के विकास के कारण हम उनको ये सुविधा दे रहे हैं पेटेंट एक्ट की। मैं आपको कुछ दो चार विदेशी कंपनियों के नाम लेके बताता हूं कि जो आती हैं भारत में तो पूंजी क्या लाती हैं और लेके कितनी चली जाती हैं। एक विदेशी कंपनी है फाइजर, हमारे देश में आई सन 1950 में, और 1950 में इसने व्यापार शुरू किया मात्र 2 लाख रुपए से। 2 लाख रुपए की पूंजी निवेश करके फाइजर ने भारत में व्यापार शुरू किया। आप इसको सोच भी नहीं सकते हैं कि फाइजर जैसी इतनी बड़ी कंपनी, अमेरिका की यूरोप की इतनी बड़ी कंपनी, भारत में सिर्फ 2 लाख रुपए लेके आई। हां, इनका भारत के पूंजी बाजार में जब प्रवेश हुआ तो इनिशियल पेड अप कैपिटल भारत में आने के समय जो उन्होंने रकम लाई बाहर से अमेरिका से वो 2 लाख रुपए की थी, और 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया 1950 में, और एक साल में ही इन्होंने सिर्फ एक साल के व्यापार में भारत से जो पैसा अमेरिका ट्रांसफर कर दिया वो 585 लाख रुपए एक ही साल। 585 लाख रुपए माने 5,85,00,000 रुपए। 2 लाख रुपए लेके आए, 585 लाख रुपए पहले ही साल में कमा के ले गए, माने उनकी जो भारत में पूंजी लगी उस पर कितने 100% वो लूट कर ले गए, अंदाजा लगाइए। और आज इस पेटेंट व्यवस्था में सबसे बड़ा फायदा जो हो रहा है, माने जिस अमेरिकन कंपनी के लिए पेटेंट कानून बदला गया वो यही कंपनी है फाइजर। तो जब आने के पहले साल में 1000% मुनाफा वो ले जाती है तो आज तो उसकी भारत देश से ले जाई जाने वाली रकम सैकड़ों करोड़ रुपए में, 180 करोड़ का नेट प्रॉफिट वो दिखाते हैं पिछले साल के उनके बैलेंस शीट में। आए थे 2 लाख रुपए लेकर, अब 2009 के साल में, 2008-2009 के साल में नेट प्रॉफिट वो 180 करोड़ ले गए और पहले ही साल में 585 लाख रुपए ले गए। आप अंदाजा लगाइए, पूंजी वहां से वो लाते नहीं है, यहां से लूट कर ले जा रहे हैं, और इसीलिए वो भारत में आ रहे हैं, भारत में कोई धर्मादा खाता खोलने के लिए नहीं आ रहे। और एक कंपनी का बताता हूं, बायर नाम की एक कंपनी है, ये भारत में आई 1958 में, 4 लाख रुपए की इसकी पूंजी भारत में लगी और पहले ही साल में 232 लाख रुपए इसने कमा ली बायर ने। फिर उसके बाद एक कंपनी है ग्लैक्सको, ये भारत में आई 1947 में और 36 लाख की पूंजी से इसने व्यापार शुरू किया और पहले ही साल में 394 लाख रुपए इसने लूट लिए इस देश में से, पहले ही साल, व्यापार के पहले ही वर्ष। फिर एक साइनामिड नाम की कंपनी है, इसने भारत में 1947 में व्यापार शुरू किया 1,50,000 रुपए से और पहले साल में इसने 175 लाख रुपए ले लिए इस देश में से कमा के। फिर एक रिचर्डसन हिंदुस्तान करके कंपनी है, 1964 में शुरू हुई, आप हंसेंगे, 20,000 रुपए से इसने व्यापार शुरू किया रिचर्डसन हिंदुस्तान में और पहले ही साल में इसने 50 लाख रुपए कमा लिए नेट प्रॉफिट के रूप में। सैंडोज ने 1947 में भारत में व्यापार शुरू किया मात्र 10 लाख रुपए से और पहले ही साल में सैंडोज ने 117 लाख रुपए कमा लिए। फिर उसके बाद सीबा गायगी ने 1947 में काम शुरू किया 3 लाख रुपए से और सीबा गायगी ने पहले ही साल में 196 लाख रुपए कमा लिए इस देश में। तो विदेशों से आने वाली कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी पहले ही साल में ले जाती हैं। तो पूंजी बाहर से भारत में आती नहीं है, भारत की पूंजी बाहर जाती है। और अब ये जो नया पेटेंट कानून आ गया, इसके बाद तो ये लूट और ज्यादा होने वाली है, क्योंकि पुराने पेटेंट कानून में तो इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रहता था, नए पेटेंट कानून का तो वो सारा नियंत्रण ही खत्म हो गया। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, वो ये कि पेटेंट की व्यवस्था तो नई दवाओं पर होती है। हां, सैद्धांतिक रूप से तो ये बात सही है, नई दवाओं पर होती है, लेकिन जिन दवाओं पर इन कंपनियों को पेटेंट मिल जाता है वो दवाएं नई हों हमेशा ये जरूरी नहीं होती हैं। पुरानी दवाओं में थोड़ा परिवर्तन करके उनको नया बना लिया जाता है।
थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मामूली सा परिवर्तन करते हैं और वो नई दवा के रूप में रजिस्टर हो जाती है। तो अब तक उन्होंने लूटा पुरानी दवा बेचकर, अब उसी में थोड़ा मामूली परिवर्तन करके उसको नया बना दिया। दवा मूल रूप से वही पुरानी है, अब पेटेंट व्यवस्था में लाके उसको और 20 साल मोनोपोली लेके लूटेंगे बाजार को। तो ये एकाधिकार का मामला बड़ा खतरनाक है और भारत सरकार ने ये पेटेंट कानून लागू कर दिया और इस पेटेंट कानून के बाद देश में धड़ल्ले से विदेशी कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा अभ्यास करने की कोशिश की हमने कि पेटेंट कानून बदलने के पहले और पेटेंट कानून बदलने के बाद कंपनियों के मुनाफे में कितना अंतर आया है। तो आप हैरान हो जाएंगे, जब तक 1970 का पेटेंट कानून इस देश में लागू था, कंपनियों के मुनाफे में 1-1000% और कहीं कहीं तो 20-20000% का मुनाफा बढ़ गया पेटेंट कानून लागू होने के बाद, क्योंकि दवाओं की कीमतें बढ़ गई। पेटेंट के कानून लागू होने के पहले वो दवा बाजार में 10-12-15 रुपए में उपलब्ध थी, पेटेंट कानून लागू होते ही वो दवा 650 रुपए में हो गई। 10 टैबलेट की स्ट्रिप कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन की पेटेंट कानून के पहले 25-22-23 रुपए में बाजार में थी, वही 10 टैबलेट की स्ट्रिप अब बाजार में 740 रुपए की हो गई। ऐसी 85 दवाएं हैं जिनका हमने बाजार से सर्वेक्षण करके निकाला कि पेटेंट के पहले 10-12-15-20 रुपए में 10 टैबलेट मिल रही है, पेटेंट कानून बदलते ही 750-800-1100-1200-1500 रुपए में 10 टैबलेट हो गए। इतनी महंगाई बढ़ गई दवाओं के क्षेत्र में। और ये महंगाई आप सभी डॉक्टर महसूस करते होंगे, पिछले 8-10 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि पिछले 8-10 वर्ष पहले ही ये पेटेंट कानून बदला गया। 1995 में सरकार ने ये पेटेंट कानून बदला और पूरी तरह से 2001 में इसमें पूरी ताकत से देश में लागू करा दिया। अब इस पेटेंट कानून में हमारे देश की स्थिति और हमारी कंपनियों की स्थिति कमजोर होती जा रही है, अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की ताकत इसमें बढ़ती चली जा रही है। तो आप बोलेंगे इसमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी डॉक्टरों की मदद से इस देश में एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए कि ये पेटेंट के दायरे में दवाओं के आने के बाद जो कीमतें बढ़ी हैं और विदेशी कंपनियों ने मुनाफाखोरी शुरू की है, जो लूटखोरी शुरू की है, उसके ऊपर नियंत्रण भी आप सभी लोग लगा सकते हैं। कुछ चुनी हुई कंपनियां हैं जिनके लिए ये सारा खेल हो रहा है, जैसे फाइजर है, जैसे एली लिली है, जैसे ग्लैक्सको स्मिथलाइन बीचम है, जैसे सेंडोज है, जैसे वुरो वेलकम है। ऐसी चुनी हुई दुनिया की 50 कंपनियां हैं जो इस समय भारत में हैं, उनके लिए ये सारा पेटेंट कानून बदला गया और उन्होंने जबरदस्त लॉबिंग करके सरकार के अधिकारी और नेताओं के स्तर पर घूसखोरी फैलाकर इस कानून को अपने पक्ष में करवा लिया। आम आदमी को पता ही नहीं चला कि पिछले 8-10 वर्षों में दवाओं की जो कीमतें अंधाधुंध बढ़ी हैं वो किसी कानून के बदलने से बढ़ी हैं, ना कि बाजार में रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ने से। हमको कई बार ऐसा लगता है, कई हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो कहते हैं कि शायद 8-10 वर्षों में जो मूल दवाएं हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ी होंगी, इसलिए दवाओं की कीमतें बढ़ी हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि कई मूल दवाओं की कीमतें पिछले 10 साल में घटी हैं, बिल्कुल घटी है। मैं बताता हूं, एक दवा है, एक खास तरह की दवा, नाम नहीं ले रहा हूं उसका, 24,000 रुपए किलो के आसपास थी 10 साल पहले, अब वो दवा 1,000-1,200 रुपए किलो के आसपास इस देश में बन रही है, इतनी कीमत उसकी कम हुई है। 36-37 हजार रुपए किलो की एक मूल दवा थी, आज वो 700-800 रुपए किलो में बन रही है। तो 8-10 वर्षों में मूल दवाओं की कीमतें, रसायनों की कीमतें घटी हैं, फिर भी बाजार में बिकने वाली जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनकी कीमतें 1000% बढ़ी हैं। उसका कारण है पेटेंट का कानून और किन्हीं कंपनियों की पूरे बाजार पे मोनोपोली और उनका एकाधिकार। आप इन कंपनियों की मोनोपोली को चुनौती दे सकते हैं और इनके एकाधिकार को तोड़ सकते हैं। आप बस थोड़े से जागरूक हो जाएं, थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो जाएं और थोड़ा सा देश के बारे में ज्यादा सोचना आप शुरू करें तो बहुत आसानी से इन कंपनियों के इस पूरे दुष्चक्र को आप तोड़ सकते हैं और इनको जमीन पे ला सकते हैं। बस आपको एक ही बात करनी है और वो बात हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, महात्मा गांधी की सिखाई हुई और बताई हुई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है
जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को ये कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद ये गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, भारत से जो लूट लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है। पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हजार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं वो लूट के ले जा रहे हैं यहां से। फाइजर है, ग्लैक्सको है, एली लिली है, स्मिथ लाइन बीचम है, मैंने आपको बताया सीवग आएगी है, संडोज है, बुरुज वेलकम है, ऐसी 50 कंपनियां हैं। इनको आप भी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप प्रतिदिन चिकित्सा क्षेत्र में इन कंपनियों का नाम सुनते हैं। मेरी आपसे सिर्फ विनम्र प्रार्थना है कि इन कंपनियों ने सरकार को तो खरीद लिया, नेताओं को तो खरीद लिया, और हमारे विधायकों को सांसदों को भी खरीद लिया, और उनकी मनमर्जी का कानून पास करा लिया संसद में, और भारत की कोई विधानसभा इस कानून का विरोध ना करे इसके लिए विधानसभाओं से पहले अनुमति उन्होंने ले ली। तो ये सब काम उन्होंने करके खेल अपना खेल लिया। लेकिन मेरा कहना है कि आप चिकित्सक बंधु अगर इकट्ठे हो जाएं और एक संकल्प ले लें तो इन सारे विदेशी कंपनियों ने ये जो खेल खेला है इसको आप उलट सकते हैं और इनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज का प्रयोग करना है, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। मैंने आपसे शुरू में एक निवेदन किया था, वो ये था कि आप गैर जरूरी दवाएं प्रेस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाएं ना लिखें, गैर जरूरी हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्रिप्शन में ना लिखें, फालतू दवाओं के हेल्थ टॉनिक ना लिखें। इसके साथ साथ एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि विदेशी कंपनियों की दवाएं आपके प्रेस्क्रिप्शन में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि हमने बाजार में ये पूरा सर्वेक्षण कर लिया है कि विदेशी कंपनियों की एक भी दवा ऐसी नहीं है जो भारत में बनती नहीं है जिसका स्वदेशी विकल्प नहीं। सभी विदेशी कंपनियों की दवाएं कैंसर से लेकर और साधारण दवाएं सर्दी खांसी जुकाम तक भारत के बाजार में उपलब्ध हैं, उनके स्वदेशी उत्पादक हैं और स्वदेशी विकल्प हैं। तो जब विदेशी कंपनियों की दवाओं के स्वदेशी विकल्प बाजार में हैं तो आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में वो डालना है और इतने से ही पूरे देश में एक नई चेतना का आरंभ हो जाएगा, एक नए युग का आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी चिकित्सक बंधुओं से, बहनों से मेरी यही विनती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखें तो ध्यान रखें फाइजर कंपनी की कोई दवा आपके प्रिस्क्रिप्शन में ना आए, ग्लैक्सको की कोई दवा ना आए, स्मिथ लाइन बीचम की ना आए, वरोज वेलकम की ना आए, सेंडोज की ना आए, जितनी बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां एली लिली की ना आए। ये एली लिली जो इतनी खतरनाक कंपनी है अमेरिका से भारत में आ गई है, इसका लक्ष्य है कि भारत की हर बड़ी कंपनी को खत्म किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए। आपको मालूम है भारत की एक बहुत बड़ी स्वदेशी दवा कंपनी हुआ करती थी रेनबैक्सी, आप जानते हैं रेनबैक्सी, जिसने सारी दुनिया में नाम कमाया, सस्ती दवाएं, अच्छी दवाएं, और भारत का निर्यात बढ़ाकर भारत का गौरव बढ़ाया। उस रेनबैक्सी को इस एली लिली कंपनी ने रातों रात खरीद लिया। आप बोलेंगे जी कारण क्या? कारण बहुत स्पष्ट है कि एली लिली आई है अमेरिका से और उनके पास जो पूंजी का आधार है वो रेनबैक्सी से हजारों गुना बड़ा है। एली लिली चाहे तो हिंदुस्तान की 20 बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है क्योंकि उनका पूंजी आधार बहुत बड़ा है। और वो पूंजी आधार बड़े होने का कारण क्या है? वो लोग बहुत अमीर हैं ऐसा नहीं है, उनके पूंजी आधार के बड़े होने का एकमात्र कारण है अपना दुर्भाग्य। और वो दुर्भाग्य ये है कि जब एली लिली भारत में $1 लेके आती है तो वो भारत में 50 रुपए हो जाता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। कभी हम जब आजाद हुए थे 1947 में तो लगभग डॉलर और रुपया बराबर था, लेकिन आजादी के 63 सालों में रुपए का अवमूल्यन इतना हुआ है कि अब 50 रुपया $1 के बराबर है। तो एली लिली जब $1 का इन्वेस्टमेंट भारत में करती है तो सीधे 50 रुपए में वो बदल जाता है।
और हमारे देश की किसी रैन व्यक्ति के लिए वो एक रुपया डॉलर नहीं हो पाता, वो 50 रुपए में डॉलर आता है। तो आप जरा इसका अंदाजा लगाइए कि एली लिली अपनी एक इकाई के खर्चे से भारत की किसी कंपनी की 50 इकाई खरीद सकती है, 50 यूनिट, सिर्फ एक यूनिट खर्च करके वो 50 यूनिट 50 इकाई खरीद सकते हैं। ये उनके पूंजी के आधार के बड़े होने का कारण है। और जब तक ये आधार उनको उपलब्ध है $1.50 का, तब तक वो आकर भारत की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को सस्ते से सस्ते में खरीद लेंगे। अब आप चाहें तो भारत को इस बुरी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो लूट लूट के ले ही जाने वाली हैं। मैंने आपको बताया कि जब वो आई थी तो 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और पहले ही साल में इतना गुना कमा के ले गई, अब तो और ज्यादा लूट उनकी बढ़ गई है। अगर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और इनका मुनाफा बढ़ता जाएगा और इनका बाजार पर एकाधिकार बढ़ता जाएगा तो भारत के लिए तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर खतरनाक है, मरीजों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए, देश को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमता देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए, ये और भी बड़ी बात होगी। आप मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं, ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं। मतलब मैं सीधा कह रहा हूं, हर साल ये विदेशी कंपनियां दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं, वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं। 35,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए। कई राज्यों का बजट बन सकता है 35,000 करोड़ रुपए से। आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए, और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का, किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें, उसके विकल्प में देशी, स्वदेशी, भारतीय दवाओं का नाम लिखें। आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं, हाँ सारे विकल्प उपलब्ध हैं, एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाएं, मेरे पास ये 50 कंपनियों के नाम हैं, आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं, इनके बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम है वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है, आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है, अमल करना है और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, ये हम बार बार कहते हैं, और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें, ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर, इस विचार पर अगर आ गए, आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।